मिर्च धो के अच्छे से सुखा लिए मैंने, बिल्कुल साफ धो के पोंछ के इनको मैंने रख दिया था। और अभी इनको काट के और बनाऊंगी अचार। तो देखिए, नींबू को काटूंगी मैं इस तरह से, पहले इसको ऊपर नीचे का ये हटा लें। इसको हटा के और इस तरफ से काटना है इसको। ये देखिए, और फिर इधर से काट लो। नींबू के बीच में जो लाइन होती है वो हर पीस पे आनी चाहिए। इस तरह से चार चार पीस बना लेने हैं। अगर आपको छोटे पीस बनाने हैं तो आप इसको एक बार और काट सकते हैं इसे। मैं काटूंगी चार चार पीस में। नींबू का अचार डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये है इंस्टेंट वाला, फटाफट से डालो और फटाफट से खाओ और लॉन्ग लाइफ होती है अचार की। नींबू इस तरह से कट के तैयार हो गए हैं। अभी काटेंगे मिर्ची। मिर्ची के आगे के जो ये नक्कू होते हैं या डंठल जो भी आप लोग बोलते हैं, इनको हटा के सबको और बीच में से फाड़ के, मोटी हो तो चार भाग कर लें नहीं तो दो भाग में करके, और जितना साइज आपको चाहिए उस हिसाब से इसके पीस बना लेंगे इस तरह से। मिर्ची को काटने के बाद ध्यान रखें मुँह वगैरह पर ना लगाएँ, साबुन से हाथ धोकर थोड़ा सा देसी घी लगा लें तो मिर्ची का जो झलझलापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस अचार को धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंदर ही आराम से तैयार हो। ये नींबू और मिर्ची कट के तैयार हो गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा नींबू इसी में से उठा के और रस, नींबू का रस निचोड़ देंगे, पूरा ना निचोड़े, आधा आधा निचोड़ दें, तीन चार पीस लेके, ताकि मिर्ची में रस चला जाए नींबू का। बाकी इसके अंदर ही डाल दें फिर उस नींबू को इस तरह से। अभी इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच हल्दी पूरी भर के और दो चम्मच नमक। नमक अपने हिसाब से डालें आप, कम ज़्यादा जितना भी खाते हो। और अभी इसको अच्छे से ऐसे मिला देंगे पूरी तरह से मिला के, और इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए, और बाद में मिलाएंगे मसाले। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अभी इसको ढक के और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पैन गर्म कर दिया मैंने और इसमें अपने हिसाब से मिर्ची जितनी तीखी जितनी खाते हो उस हिसाब से डाल लो। मैंने तो एक ही चम्मच डाली है और इनको भूनना नहीं है, थोड़ा सा गर्म करना है ताकि ये पीसेंगे तो अच्छे से पीस जाए और थोड़ी सी खुशबू भी सौंधी हो जाएगी। उनको थोड़ी सी देर हिला के और फिर दो चम्मच अजवाइन और दो चम्मच जीरा, इनको हल्का हल्का गर्म करके और फिर ठंडा करके और इनका पाउडर बना लेंगे। तो इसको हो गया है आधा घंटा, इसको खोलते हैं अभी। और ये देखो, देखते हैं इसको, अच्छे से पानी छोड़ दिया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बढ़िया से हो गया ये तैयार। अभी इसमें मसाला मिला लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने पाउडर बना लिया है, ये सारा मसाला इसके अंदर डाल के और मिला लेंगे। ये मसाला इसमें डाल दिया है, अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चार टीस्पून सेंधा नमक, चार टीस्पून काला नमक, और अगर सेंधा नमक नहीं है तो आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं, नॉर्मल जो नमक होता है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सबको अच्छे से मिला के बरने में भर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है अचार का। अब इसको भर के रख देंगे, या तो कोई कांच का डिब्बा हो उसमें रखो। डिब्बा तो कांच का भी है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने ये ले लिया है, चीनी मिट्टी का ये लोटा है, इसमें इस अचार को भर दूंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस अचार को डालते समय बीच में एयर ना रहे, दबा दबा के अच्छे से डालना है। और ये एक हफ्ते में वो खाने लायक हो जाएगा। मिर्ची तो चाहे पहले भी निकाल के खा सकते हैं, लेकिन नींबू का थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, सीखे को
कोई इस तरह से बना के बताना मेरे को आप लोगों का कैसा बना। और अगर आप लोग में से कोई और किसी तरीके से बनाते हो तो वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये मैंने दबा दबा के इसमें डाल दिया, पूरा भरी गया है। मेरे को तो लग रहा था मैं कहीं बड़ा रहेगा चार थोड़ा, लेकिन इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एयर ना रहे, अच्छे से दबा दें और इसको बीच बीच में चेक करते रहें। 7 दिन के बाद इसको खाना स्टार्ट करें, बड़ा मस्त मज़ेदार अचार बनेगा और ये ख़राब तो नहीं होता है, जल्दी सी अभी नहीं चल जाता है। तो मैंने बनाया है थोड़ा, तो आप लोग भी ट्राई करना। अभी मैं बनाऊंगी मिर्ची का कूट के, नॉर्मल राई और नमक कूट के, और इनको मोटे मोटे कूट लूंगी। इसमें ये 3 चम्मच राई और 2 चम्मच नमक डालिया है, सेंधा नमक लिया है मैंने। और इस अचार का एक ध्यान रखें, अगर आपको लगे ना ये कि थोड़ा सूखा सूखा है तो नींबू का रस इसमें निचोड़ देना और इसमें कुछ नहीं डालना, इसको ढक के रख दो भाई। इसको इस तरह से दरदरा सा थोड़ा सा कर लेंगे राई को, ज़्यादा नहीं इसको बिल्कुल भी कूटना है, ऐसे दरदरा करना है बस। ये हो गई है, अभी मिर्ची मोटी मोटी कूट देनी है इसमें। इसको दरदरा रख लिया और अभी ऐसे एक एक दो दो मिर्ची डाल के और इनको इस तरह से कूट लेना है। और ये मिर्ची थोड़ी सी टाइट टाइट है तो मैं इनको चॉपर में करूँगी, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम ज़्यादा और मुझे है दर्द कंधे में, किसी दूसरे को लगाना पड़ेगा बच्चों को, तो क्यों डिस्टर्ब किया इनको। तो मैं सोच रही हूँ ये चॉपर है मेरे पास बड़ा एक डबल ब्लेड वाला, इसमें डाल के इनको मोटा मोटा चॉप करके और फिर इसमें डाल के कूट दूँगी। ये मिर्ची का अचार भी तैयार हो गया है, ये तो बिल्कुल आसान है और ये हमारे घर में सबसे ज्यादा फेवरेट है पूजा का। पूजा तो इसको आज से ही खाना शुरू कर देगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देखो कह रही है कि ये भी खाऊंगी, ये सब उठा ले कैमरा का। तो ये जो अचार है वैसे 2-3 दिन में हो जाता है, बहुत टेस्टी खाने लायक, लेकिन हमारी पूजा के लिए भी अभी हो गया तो ये आज ही खाएगी डिनर में। जरा सा बना और ये मैंने बड़े वाले ले लिया, छोटा ले लेती, कोई नहीं दोबारा बना लेंगे तो आसान सा काम है।